हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे जैसे कि आपका चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट सेशन से हमने इसकी एक्सरसाइज शुरू की थी जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर इसके देखे थे। आज के सेशन में उन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे और आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके इस सेशन में बन रहे हैं। ठीक है, लास्ट सेशन का क्वेश्चन था आपका कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना था, जो जो मॉलिक्यूल यहाँ पर दिए गए हैं उनका। H2O आपके पास था, CO2 था और CH4 था। ठीक है, तीनों के ही आपके मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान आपने कैलकुलेट कर लिए थे। ओके, देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4, उसमें आपके जो भी एलिमेंट है, क्या क्या एलिमेंट है, सोडियम है आपका, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तीनों का कितना कितना द्रव्यमान का प्रतिशत इस कंपाउंड में उपस्थित है उसके बारे में आप लोगों ने बात की थी कि कैसे निकाला जाएगा। तो आपने कहा था मैम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तीन हमारे कॉम्पोनेंट है तो तीनों का कितना द्रव्यमान यहाँ पर उपस्थित हो है वो हमें पता होना चाहिए, और तीनों मिल करके जो एक कंपाउंड बना रहे हैं Na2SO4 उसका टोटल द्रव्यमान कितना होगा। तो यानी एक तो हम मोलर मास निकाल लेंगे Na2SO4 का, और फिर हम क्या करेंगे उस मोलर मास में देखेंगे कि Na का मास परसेंट कितना आ रहा है, सल्फर का कितना आ रहा है, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों का द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। ओके, देन आपके पास एक और क्वेश्चन था थर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। जब आपका क्या होता है, 1 मोल कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर प्रोड्यूस होगी वो आपको बताना था। सेकेंड, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। जब 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी डाइऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तब आपका कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और जब 2 मोल को कार्बन को आपका फिर से 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा तो उस समय पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वहां पर प्रोड्यूस होगी या उत्पन्न होगी वो आपको बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक का क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले हम लोग बैलेंस इक्वेशन ले लेते हैं इन रिएक्शंस के लिए। तो आपने कार्बन और ऑक्सीजन की डाइऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिला, इसके लिए ये एक बैलेंस इक्वेशन है, संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण में आपको कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम हम लोग लेते हैं तो 12 ग्राम कार्बन जो है वो O2 का कितना हो जाएगा, 1 O का 16, 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ओके, तो 12 ग्राम जो कार्बन है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के यहाँ पर CO2 का मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है 44 ग्राम जो आ रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी क्या कहा मैंने, 12 ग्राम कार्बन जो है आपका वो 32 ग्राम डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसी को आप क्या कहते हैं कि 1 मोल कार्बन जो है आपका 1 मोल डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपका 1 मोल जो कार्बन है उसको जलाया जाएगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आपने कहा कि मैम 1 मोल कार्बन जो है वो 12 ग्राम के इक्वल है, तो 12 ग्राम कार्बन को अगर जलाया जा रहा है या ऑक्सीजन के साथ डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और 1 मोल किसके बराबर है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा। ओके, देन अब देखिए 12 ग्राम को जुड़ने के लिए चाहिए 32 ग्राम डाइऑक्सीड। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कार्बन तो 1 मोल ही है यानी 12 ग्राम है, लेकिन जो ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन है आपकी वो 16 ग्राम है यानी इसका हाफ हो गया, 1 मोल का हाफ हो गया यानी आधा मोल है आपके पास डाइऑक्सीजन। संतुलित रासायनिक समीकरण जो यहाँ पर दी गई है ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि अगर 1 मोल डाइऑक्सीजन है तो 1 ही मोल कार्बन भी आपको चाहिए, लेकिन डाइऑक्सीजन आधा मोल हो गया तो अब ये सिर्फ कार्बन के आधे मोल से जुड़ेगा और तब आपका बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी आधा मोल बनेगा जो कि कितना, 22 ग्राम यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो डाइऑक्सीजन है वो एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट आपका काम कर रही है, सीमांत अभिकर्मक के रूप में कार्य कर रही है यानी वो पहले ही समाप्त हो रही है, 16 ग्राम पहले समाप्त हो जाएगा तो वो आपके आधे मोल से अभिक्रिया कर पाएगा। ओके,
सेम आपका, आपने कार्बन को 2 मोल कर दिया, थर्ड क्वेश्चन कहता है 2 मोल कार्बन है आपके, लेकिन वो अब 16 ग्राम डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे, तो कार्बन की मात्रा आपने बढ़ा दी। पहले सेकंड वाले क्वेश्चन में 1 ही मोल कार्बन था, यहाँ पर आपने कहा 2 मोल हो गए कार्बन, लेकिन 2 मोल कार्बन से भी आपका उजुड़ने वाली डाइऑक्सीजन अभी भी 16 ग्राम है, तो अभी भी आपका आधे मोल से यह अभिक्रिया होगी, बाकी जो 1.5 मोल है वो वैसे ही रहेगा अनरिएक्टेड। ओके, तो आधे मोल से अभिक्रिया करके, जैसे सेकंड क्वेश्चन बता रहा था कि 22 ग्राम आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो यहाँ पर भी 22 ग्राम ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ओके, तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का आपको मास बताना है, यानी द्रव्यमान बताना है। रिक्वायर टू मेक, इतना द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान जिसे आप कहते हैं, समझ रहे हैं ना, जिससे कि आप 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन बना पाए। बेसिकली आपने क्या किया, सोडियम एसिटेट लिया, उसको जल के साथ मिलाया, और कितना मिलाया, दोनों को मिला करके 500 ml का सोल्यूशन आपने बना। 500 ml उसका क्या होगा, आयतन होगा, और मोलारिटी उसकी कितनी है, 0.375 मोलर का सॉल्यूशन वो बनेगा। ओके, मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट का मोलर मास यहाँ पर दिया गया है 82.0245 ग्राम पर मोल। निकालना क्या है आपको, ये तो हो गया आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान जिसे कह रहे हैं, आपको क्या निकालना है, दिया गया द्रव्यमान निकालना। क्लियर है, तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा आपका, जहां पर आप मोलारिटी निकाल रहे थे। ओके, चलिए आंसर में आपके पास क्या क्या है, 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन मींस दैट 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन कंटेन सोडियम एसिटेट 0.375 मोल। ओके, क्या कहा गया है यहाँ पर, 0.375 ml एक्वा सोल्यूशन का मींस क्या है कि आपने 1000 ml का यहाँ पर सोल्यूशन बनाया है सपोज, तो उस 1000 ml में आपका 0.375 मोल क्या होंगे, सोडियम एसिटेट के होंगे। कैसे होंगे मुझे बताओ, देखो आप सिंपली क्या कहते हो, किसी भी विलयन की जो मोलरता है वो उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है, जब आप उस विलयन का 1 लीटर आयतन ले रहे हैं तब। ओके, और 1 लीटर का मतलब क्या है, 1000 ml, तो हम मान सकते हैं कि 1000 ml में, क्योंकि मोलैरिटी हमको यहाँ पर दी गई है, तो 1000 ml में जो सोडियम एसिटेट के मोलों की संख्या होगी वो 0.375 मोल होगी। क्लियर, क्योंकि मोलारिटी वही तो है, मोलारिटी क्या है, मोलों की संख्या है विलेय की, जब विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर, तो हमने मान लिया कि हमने 1 लीटर आयतन लिया था, तो 1 लीटर आयतन में जो मोलारिटी आ रही है वही विलेय के मोलों की संख्या होगी, तो 0.375 क्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या होगी। ओके, नाउ 500 ml ऑफ द सोल्यूशन शुड कंटेन सोडियम एसिटेट इक्वल टू 0.375 अपॉन 2 मोल। ओके, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 500 मोल में अगर हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया। नाउ मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज इक्वल टू, मोलर मास कितना दिया गया है, जिसको आप मोलर द्रव्यमान कह रहे हैं, 82.0245 ग्राम पर मोल। मास कितना हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान, देखो मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ओके, यही होता है, लेकिन हमारे पास दिया गया द्रव्यमान नहीं है कि हमने कितना यूज किया सोडियम एसिटेट, हमारे पास क्या है, मोलर द्रव्यमान है हमारे पास, और साथ में मोलों की संख्या भी हमने यहाँ से निकाली। तो अब क्या होगा, अब आप जो आपका मोलर मास आया है और साथ में क्या है, मोलों की संख्या है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर, तो आपका मोलर द्रव्यमान ये हो गया, ठीक है, और मोलों की संख्या क्या है, 0.375 डिवाइडेड बाई 2, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको क्या मिल गया, मास ऑफ सोडियम एसिटेट मिल गया, यानी कि दिया गया द्रव्यमान जिसे आप कहते हो, यानी जो आपको मात्रा दी गई है कि इतना सोडियम एसिटेट आपको यूज करना है, जब आप क्या कर रहे हैं, 500 ml एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं, और जिसकी मोलारिटी 0.375 मोलर होगी, ऐसे विलयन के लिए कितना आपका सोडियम एसिटेट आप यूज करेंगे, तो वो आपने कैलकुलेट करके निकाल दिया कि 15.380 यानी 15.380 आपको, इतने ग्राम आपको क्या दिया गया था, सोडियम एसिटेट दिया गया था, जिसको आपने
जेल के साथ मिलाया और 500 ml का सोल्यूशन बनाया जिसकी मोलैरिटी आपकी कितनी आई, 0.375 मोलर आई। ओके क्लियर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था आपको, बहुत आसान सा है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट इज बीइंग 69%। ओके क्या कहा गया है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, आपको सांद्रता निकालनी है नाइट्रिक एसिड की कहां पर, इन इन पर मोल्स पर लीटर, यानी कि आपका किसकी बात की गई है, मोल पर लीटर में आप क्या लेते थे, मोलारिटी लेते थे। क्लियर, इन अ सैंपल, किसी सैंपल में विच हैज अ डेंसिटी, जिसका घनत्व क्या है 1.441 ग्राम पर मोल है एंड पर ml है एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट इज बीइंग 69%, और नाइट्रिक एसिड का जो द्रव्यमान प्रतिशत है यहाँ पर वो 69% है। तो आप क्या करेंगे, मास परसेंट ऑफ 69% मींस दैट 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास। इसको हम क्या मान सकते हैं, 69% मास का क्या मतलब हो सकता है कि 100 ग्राम जो है उसमें नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में 69 ग्राम क्या है आपका नाइट्रिक एसिड होगा। तो 69 बाय 100 इंटू 100 करेंगे तो 69% आ जाएगा आपका मास परसेंट। देन मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे जो कि कितना होता है, नाइट्रिक एसिड है आपका HNO3, तो H का 1 आ गया, N का 14 आ गया, O3 यानी 16 × 3, क्लियर 48 आ गया, तो इन सबको ऐड कर लेंगे आपका कितना आ गया 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाउ मोल्स इन 69 ग्राम HNO3, अगर 69 ग्राम हमने यहाँ पर निकाल लिया है कैलकुलेट करके कि 69 ग्राम HNO3 है, तो उस 69 ग्राम HNO3 में कितने मोल्स होंगे HNO3, तो 69 डिवाइडेड बाय 63, यानी कि दिया गया जो द्रव्यमान जो है 69 ग्राम आपको दिया गया था ना कि 100 ग्राम में 69 ग्राम को मिलाइए, ये 100 ग्राम में आपका 69 ग्राम उपस्थित है, तो वो 69 ग्राम क्या है, दिया गया द्रव्यमान है भार जिसको आप बोलते हो, उसको विभाजित किससे करेंगे, जो आपके एक मोल का द्रव्यमान, एक मोलर द्रव्यमान जिसे आप कह रहे हो ना, तो उससे हम डिवाइड करेंगे HNO3। तो HNO3 का मोलर द्रव्यमान जो है वो 63 है और जो दिया गया द्रव्यमान है 69 है, तो इस तरह से हमने मोल्स निकाल लिया, 1.095 मोल्स होंगे 69 ग्राम HNO3 में HNO3 के, और वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, 100 ग्राम जो आपका नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है उसका आपको क्या निकालना है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, चूंकि आपके पास द्रव्यमान है और घनत्व है तो आप आयतन भी निकाल सकते हैं। तो आपने क्या किया, द्रव्यमान बटे उसका क्या ले लिया है, यहाँ पर घनत्व ले लिया है, तो आयतन आपको पता चल गया 70.92 ml आ जाएगा, उसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.07092 लीटर आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जो मोल्स हैं नंबर ऑफ मोल्स उनको विभाजित कर लेंगे किससे, इसके आयतन से, तो आपको क्या पता चल जाएगी, सांद्रता पता चल जाएगी, यानी मोलारिटी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 यानी सांद्रता जो है नाइट्रिक एसिड की इन मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर में जो आपको लेना था तो वो क्या हो जाएगा, जो उसके मोल्स हैं उनको डिवाइड कर लेंगे उसके आयतन से, जो कि हमने लीटर में यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, तो आपको क्या मिल गई, सांद्रता मिल गई 15.44 क्या हो जाएगी, इतनी मोलारिटी का आपका ये सोल्यूशन होगा। क्लियर, तो क्वेश्चन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, मोलारिटी आपको निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन बोला है कि सांद्रता निकालनी है, यूनिट आपको दे दी गई है कि मोल्स पर लीटर यूनिट आपको यहाँ पर उसमें आपको व्यक्त करना है, तो मोल्स पर लीटर क्या है, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स बताएगा, पर लीटर यानी कि आप आयतन से विभाजित कर रहे हैं, तो इतना समझ आना चाहिए कि मोलारिटी में हम लोग क्या करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को विभाजित करते हैं विलयन के आयतन। ओके तो फिर उसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, मोल्स पर लीटर हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत आसान सा है, बस थोड़ा दिमाग को आपको ध्यान से क्वेश्चन को एक बार रीड करना है और थोड़ा समझने का प्रयास करना है। ओके चलिए
इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ मच कॉपर कैन बी ओब्टेंड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, एटॉमिक मास ऑफ Cu 63.5 एटॉमिक मास U। ओके, क्या बताया है, हाउ मच कॉपर कैन बी ओब्टेंड, कितना कॉपर यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है किससे, 100 फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर, 100 ग्राम अगर कॉपर आपको दी गई है जिसका यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है CuSO4 और एटॉमिक मास उसका बताया गया है कितना, 63.5 amu होगा। तो 1 मोल ऑफ CuSO4 कंटेन्स 1 मोल यानी 1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, मोलर मास ऑफ CuSO4, CuSO4 का मोलर मास यहाँ पर निकाला गया है, Cu का 63.5 जैसे दिया गया है, S का आपको पता ही है सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ पर उसके कितने एटम है, 4 एटम है, तो 4 से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ लिया गया है जो कि आ रहा है आपका 159.5 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है कॉपर सल्फेट का, आप लोग खुद से भी इसको ऐड कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देन दस कॉपर दैट कैन बी ओब्टेन फ्रॉम 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 इज इक्वल टू 63.5 ग्राम, क्या बताया गया है कि 159.5 ग्राम इतना क्या है, एक मोल, जो आपका Cu की बात कर रहे हैं या CuSO4 की बात कर रहे हैं आप लोग, कि यहाँ पर जो आपका एक मॉलिक्यूल है CuSO4 का उसमें कॉपर कितनी है आपकी, 63.5 ग्राम है। ओके, इतने कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम क्या है आपकी, कॉपर है, लेकिन हमें क्या बोला है 100 ग्राम में कॉपर आपकी कहां से आएगी, Cu दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ CuSO4, अगर 159.5 ग्राम की जगह आपने 100 ग्राम ले ली है CuSO4 तो फिर आपको कितना कॉपर प्राप्त होगा, तो आप क्या करेंगे यहां पर पहले एक ग्राम का आप लोग निकाल लेंगे कि वहां पर कितना उपस्थित होगा, तो 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 जितना आएगा वो एक ग्राम में है, देन उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 100 ग्राम से, तो आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 100 ग्राम में कितनी कॉपर आप लोग ओब्टेन करेंगे, तो वो कितना आ रहा है आपका 39.81 ग्राम कॉपर आपको मिलेगी किससे, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। ओके, क्लियर है, चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली, गिवन दैट द मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड इज 159.8 ग्राम पर मोल, एटॉमिक मास Fe का यहाँ पर दिया गया है 55.85 और ऑक्सीजन का है 16 amu, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को आपको दोबारा से देखने को बोला है, तो क्वेश्चन 3 आपने लास्ट सेशन में किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयन, आयन का एक ऑक्साइड है जिसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, बताना है कि क्या होगा जहां पर उसका क्या दिया गया है, आयन का और ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक मास दिया गया है कि कितना कितना होगा, इसके अलावा आपको क्या बोला, गिवन दैट द मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड, मोलर मास ऑक्साइड का कितना है 159.8 ग्राम पर मोल है। ओके, और मास परसेंट भी आयन और ऑक्सीजन का यहाँ पर दिया गया है कि मास परसेंट वहां पर कितना है, आयन का 69.9 है और ऑक्सीजन का क्या है 30.1 रिस्पेक्टिवली। ओके, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ Fe2O3, पहले Fe2O3 की बात की गई है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, तो 2 × 55.85, क्यों, क्योंकि Fe के दो एटम है, 3 × 16 क्योंकि ऑक्सीजन के तीन एटम है, इज इक्वल टू कितना है 159.7 ग्राम पर मोल आ गया है। ओके, देन N की वैल्यू यहाँ पर निकाली गई, एन चाहिए होता है ना आपको जब आप इंपीरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, तो एन इज इक्वल टू मोलर मास इज डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। चलिए तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपको मिल गई है मोलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास से, जो 159.8 मोलर मास था डिवाइडेड बाय 159.7 इज इक्वल टू 1, तो यानी कि एन की वैल्यू एन है, एन की वैल्यू 1 है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका
सेम होगा, हेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम एज इंपीरिकल फॉर्मूला, दैट इज Fe2O3। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन दैट इज C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, सेकंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, थर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ओके आपको क्या बताया गया, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, अगर इथेन के 3 मोल्स हैं तो उसमें आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के बताने कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, इथेन के कितने मॉलिक्यूल हैं वो बताने हैं। सो 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, 3 मोल्स ऑफ C2H6 विल सी एटम इज इक्वल टू 6 मोल। अगर आपका 1 मोल में कितने हैं C2H6, कितने हैं 2 मोल कार्बन, इथेन के 1 मोल में ये C2H6 लिखा है ना, तो 1 मोल है ये C2H6, इसमें आपके 2 मोल है कार्बन एटम। ओके तो अगर आपने ये 3 कर दिया, यहाँ पे 3 C2H6 कर दिया, तो फिर कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, 2 × 3 यानी 6 मोल हो जाएंगे। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब 1 मोल में आपके कितने हैं 6, 1 C2H6 में H कितने हैं 6 है, तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 6 × 3 कर दोगे आप लोग। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो इथेन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। ओके तो C2H6 कंटेन एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.0 × 10⁻²⁰ मॉलिक्यूल, तो ये 1 मोल की बात हो रही है। देन 3 मोल्स ऑफ C2H6 विल कंटेन इथेन मॉलिक्यूल, 3 × 6.02 × 10⁻²⁰, तो 3 और 6.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 18.06 × 10⁻²⁰ मॉलिक्यूल और मोल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ओके यानी क्या कहा गया है, 1 मोल जो है आपका, उस 1 मोल में तो कितना होता है 6.02 × 10⁻²⁰ मॉलिक्यूल होता है, या इतने पार्टिकल्स वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने 3 कर दिए मोल्स, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, 1 मोल में इतने हैं तो 3 मोल में कितने होंगे, तो 3 से गुणा कर दोगे। सेम वही कि 1 मोल C2H6 में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 3 मोल हो जाएंगे, तो कितने कार्बन होंगे, 3 × 2 तो 6 हो जाएंगे। 1 मोल C2H6 में हाइड्रोजन कितने है, 6 है, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 6 × 3 = 18 हो गए। 1 मोल C2H6 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 6.0 × 10⁻²⁰ है, तो यहाँ पर 3 मोल में कितने होंगे, तो 3 से आपने गुणा कर लिया, तो कितना आ गया 18.06 × 10⁻²⁰ आ गया। ओके सेम ये भी आपका स्टोइकियोमेट्री वाला क्वेश्चन है। ओके जल्दी से इसे नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्विंग इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। ओके तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, जब हम पहले भी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे थे, वहां पर मैंने ये न्यूमेरिकल आपको कराया था, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन आपको बतानी है, यानी कि चीनी की सांद्रता कितनी होगी यहाँ पर, जिसमें कि आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है और आपको आयतन बताया गया है कि उसमें अगर आप वाटर ऐड करते हैं, यानी कि जल के साथ उसका विलयन बना रहे हैं और 2 लीटर का विलयन आपने बना दिया है, ठीक है, तो आयतन आपके पास यहाँ पर है और साथ में आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं शुगर के, क्योंकि आपको बताया गया है कि 20 ग्राम शुगर आपको दे दी गई है। तो सबसे पहले आप मोलर मास निकाल लेंगे शुगर का, मोलर मास कितना है, सी कार्बन के लिए 12 आ जाएगा, 12 इसके एटम है तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, 22 एटम्स है तो 22 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 11 क्योंकि वहां पर एटम है तो 11 × 16 = 342 ग्राम पर मोल, इतना क्या आ जाएगा, मोलर मास आ गया शुगर का। देन नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ शुगर, अगर 20 ग्राम चीनी दे दी गई है, उस 20 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स उसके उपस्थित है वो आपको निकालना है, तो 20 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 342 से, यहाँ पर तो आपको 0.0585 मोल्स हैं किसके, शुगर के 20 ग्राम शुगर में। ओके नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए, आयतन आपके पास है ही, मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन और मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ये निकाल लिए हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके यहाँ पर हैं, 0.0585 मोल है
और आयतन आपको पहले से ही 2 लीटर बताया गया है कि 2 लीटर का विलयन बनाना है आपको, तो वो 2 लीटर से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आपकी आ गई है मोल पर लीटर में, ओके 0.0293 मोल पर लीटर इसकी क्या होगी सांद्रता होगी। ओके क्लियर है, चलिए नोट करिए जल्दी से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। क्या क्या दिया गया है, मिथेनॉल की डेंसिटी दी गई है और इट्स वॉल्यूम नीडेड, कितना वॉल्यूम इसका रिक्वायर्ड होगा 2.5 लीटर बनाने के लिए, जिसकी मोलैरिटी 0.25 मोलर होगी। ओके तो इसको आप कर लेंगे होमवर्क में, और बाकी आपका कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में तो वो आप लोग पूछ लेंगे। आने वाले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए